अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन क्या चीज़ होती है और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो ब्रेड क्रम्ब यूज़ करने का मकसद यह है कि यूज़र को पता चलता रहता है कि वो होम पेज से कितनी दूरी पे है, मतलब कौन सी कैटेगरी पे है, या कौन सी कैटेगरी की कौन सी पोस्ट पे है। तो ये जो हमारा पेज होता है उसके सबसे ऊपर शो होती है और सारा कंटेंट इसके नीचे शो होता है। उसके बाद इसके बेसिकली तीन मेन फायदे हैं। एक ये कि इससे गूगल को पता चलता रहता है कि ये कौन सी कैटेगरी है, ये किस क्वेरी के ज़्यादा रेलिवेंट है। उसके अलावा ये इंटरनल लिंकिंग को इम्प्रूव करती है, और उसके अलावा जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो गूगल में शो होते हैं। अगर आप इन्हें ऑप्टिमाइज करें तो ये गूगल में भी शो होंगे। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम गूगल पे जाएँ और यहाँ पर लिखें हाउ टू बेक अ केक या कोई भी क्वेरी, तो ये चीज़ जो आपको ये एरो शो हो रहा है ये बेसिकली नेविगेशन है, ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी भी शो हो रही है और आगे ये पोस्ट का नेम। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम इस पोस्ट को ओपन करें तो आप देख सकते हैं ये ऊपर शो हो रही है नेविगेशन। तो इस तरीके से ये वेबसाइट पे यूज़ करनी चाहिए, और SEO और यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें।